दक्षिण भारत में कांग्रेस की कड़ी किलेबंदी के बाद भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जहां कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में राज्यपाल ने कर्नाटक के सीएम को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA में हुए भ्रष्टाचार मामले में कारण बताओ नोटिस दे दिया है, तो वहीं कांग्रेस भाजपा और JDS के ऊपर भड़क गई है। कांग्रेस ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का पुरजोर समर्थन करते हुए रविवार को कहा है कि वो लोगों को सच्चाई बताएगी और राज्य सरकार को अस्थिर करने के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेगी। बता दें कि सिद्धरमैया मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी कि MUDA और राज्य संचालित वाल्मीकि निगम घोटालों में विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने मंत्रियों के साथ एक बैठक की। कर्नाटक के लिए पार्टी प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार भी बैठक में शामिल हुए। शिवकुमार कांग्रेस के कर्नाटक में प्रदेश प्रमुख भी हैं। ये बैठक राज्यपाल थावर चंद गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को एक कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आयोजित की गई। इस दौरान वेणुगोपाल ने कहा है कि सिद्धरमैया की ईमानदारी को हर कोई जानता है, वो यहाँ कोई नए मुख्यमंत्री नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली JDS कांग्रेस गठबंधन सरकार BJP के केंद्र नेतृत्व की साजिश का शिकार हो गई थी, वे अब भी इसी तरह की साजिश रच रहे हैं। वो हमारी चुनी सरकार को निशाना बना रहे हैं। हर कोई जानता है कि सिद्धरमैया का कद कैसे बढ़ गया है। हमने राज्य में गरीबों की चिंता को दूर करने के लिए कर्नाटक में गारंटी योजना शुरू की है। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि हमें समझ में नहीं आता है कि क्यों राज्य की सरकार को कारण बताओ नोटिस दिया गया। उन्होंने ये धारणा बनाने की कोशिश की है कि सरकार अस्थिर होने वाली है। आज हमने BJP JDS की साजिश के खिलाफ लड़ने का फैसला किया है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि BJP और JDS को पता है कि गरीब लोगों की चिंताओं को दूर करने के लिए कांग्रेस सरकार की गारंटी योजनाएं उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाएगी और इसलिए वो सरकार और मुख्यमंत्री को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने साजिश रची और सिद्धरमैया और कांग्रेस सरकार के खिलाफ कुछ आरोप लगाए और सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से राज्यपाल BJP का हथियार बन गए हैं। दरअसल BJP JDS परियोजनाओं के लिए जमीन खोने वालों को MUDA द्वारा कथित धोखाधड़ी से भूखंड आवंटित करने के खिलाफ शनिवार से एक हफ्ते तक की जाने वाली मैसूर चलो पदयात्रा पर हैं और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिन व्यक्ति को भूखंड आवंटित किए गए हैं उनमें CM सिद्धरमैया की पत्नी पार्वती भी शामिल है। अधिवक्ता कार्यकर्ता TJ अब्राहम की एक याचिका के आधार पर कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 26 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री को 7 दिनों के भीतर आरोपों पर अपना जवाब देने का निर्देश भी दिया गया था। वही कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल को अपना कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी और उन पर संवैधानिक पद का घोर दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया है।